हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों का, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का, आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए, बराबर है। ये वीडियो के अंदर मैं कुछ क्लेरिफिकेशन जो है वो आप लोगों को देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द चेंजेस इन द मॉड्यूल ऑफ न्यू सिलेबस, एंड कुछ चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ही दुखी मन के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। और कुछ लोगों को मैसेज जो है वो भी मैं यहाँ देना चाहूंगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ी सी आवाज मेरी जो है बैठी हुई लग रही होगी आपको, उसके बाद प्लीज बेयर कीजिएगा। तबीयत खराब होने की वजह से मौसम जो है बारिश वाला है, और भीगने वगैरह की वजह से गला जो है पूरा बैठ चुका है, दिन भर रिकॉर्डिंग चल रही है, सो थोड़ा सा प्लीज उसमें बेयर कीजिएगा, बराबर है। चलिए, तो स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा सीएस प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस के हिसाब से, जिसका नाम जो है वो दिया हुआ है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंसेस एंड एथिक्स, बराबर है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है, आईसीएसआई ने एक छोटा सा लाइन जो है वो यहां पे ऐड किया, रिलेवेंट फॉर द दिसंबर 19 सेशन ऑनवर्ड्स, बराबर है। अब ये लाइन जो है वो यहां पे ऐड किया, जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दिसंबर 19 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके बाद में अगर आपका अटेम्प्ट होगा आगे कभी भी, तो उसके लिए जो रिलेवेंट मॉड्यूल है वो बोले आपको ये रेफर करना है, ठीक है। तो अचानक से स्टूडेंट्स के अंदर जो खलबली है वो मच गई, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, इसके पहले जो मॉड्यूल हुआ करता था क्या वो ऑब्सोलीट हो चुका है, क्या वो बेकार मॉड्यूल है, हमने तो वो वाला खरीदा था, हमने तो वो वाला खरीदा था, तो अब क्या इस मॉड्यूल को परचेज करने के लिए अलग से पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गनीमत देखिए इसमें एक और चीज, क्या कुछ ऐसे लोग, नाम मैं नहीं लूंगा उन लोगों का क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो नाम लेना डिजर्व करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि ये टीचिंग प्रोफेशन के अंदर अभी अभी आए हैं, सिर्फ इसलिए आए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं, लोग आजकल बोले ऑनलाइन में जाते हैं तो चलो बोले हम भी पढ़ा देंगे, बराबर है। उन लोगों ने यहां ये वाली चीज का अपना बेनिफिट उठाने के हिसाब से बच्चों को एक गलत मैसेज जो है वो पहुंचा दिया। मैसेज क्या पहुंचाया, बोले पुराना जो मॉड्यूल था न्यू सिलेबस का और अभी का जो मॉड्यूल है न्यू सिलेबस का, उसमें 30-40% चेंजेस है। कुछ एक इंसान है जो कहता है 30-40% चेंज है, और दूसरे ने तो और ही हद कर दी, बोले 60-70% चेंज हो चुका है। कितना? 60-70% चेंज हो चुका है, बोले पुराने मॉड्यूल से नए मॉड्यूल के अंदर। अब बच्चा बेचारा घबरा जा रहा है, मतलब ध्यान से सुनिए, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अगस्त महीना अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, बराबर है, और दिसंबर में बच्चों के एग्जाम है, अंडरस्टूड। और दिसंबर में एग्जाम है, इसका मतलब ये हुआ आपका, ये लगा लीजिए कि फरवरी में, फरवरी 19 में जो आपका रिजल्ट आया था, बराबर है, उसके बाद में 9 महीने में आपके एग्जाम रहते हैं। फरवरी के बाद में जो 9 महीने हैं उसके अंदर अपने आपके एग्जाम रहते हैं, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, मतलब ये जो कुछ लोग हैं जिनके बोलने के हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, बोले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून निकाल दो, जुलाई का आधा निकाल दो, 6 महीने निकाल दो, 6 महीने के बाद में आपका जो आईसीएसआई है उसकी आंखें खुली है, बराबर है। और 6 महीने के बाद उनका ये कहना है, आईसीएसआई का कहना है कि बेटा पुराना जो मॉड्यूल तुमने पढ़ा होगा ना उसको छोड़ दो, बोले उसमें 30-40% चेंजेस कर दिए हमने, और दिसंबर के लिए बोले आपको अलग से हमने मॉड्यूल दे दिया, वो पढ़ो, बोले आप। सर ये क्यों कर रहे हो आप? ये मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जिस इंसान ने ऐसा मैसेज बच्चों के कान में डाले। बेचारे बच्चे पहले से ऑलरेडी डरे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, मॉड्यूल में से पढ़ाई कर रहे हैं, जहां जो नोट्स मिल रहे हैं उसमें से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप उनको ऐसे मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मैं आपको ओपन चैलेंज प्रोवाइड करता हूं सर, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, मुझे बताइए कहां है 35-40% चेंजेस, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको इस चीज के लिए। ये रहा आपका नया वाला न्यू सिलेबस का नया वाला मॉड्यूल, और अगर मैं ओल्ड वाले मॉड्यूल की बात करूं, ये रहा मेरे सामने ओल्ड वाला मॉड्यूल, ये देखिए, ये रहा ओल्ड वाला मॉड्यूल जीआरएमसीई वाला, बराबर है। अच्छा, इनिशियली अगर देखा जाए, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जिन दो लोगों की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, बेसिकली वो लोग जॉब करने वाले लोग हैं, मतलब सुबह से शाम वो अपनी कंपनी में जाके जॉब करते हैं, तो टीचिंग के लिए रिसर्च करने का टाइम कब उनके पास में, यूजुअली देखा जाए तो नहीं है। तो क्या देखा होगा उन्होंने, उन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट देख लिया कि हाँ अपडेट कुछ आया हुआ है,
और यहां पे बोले लिख दिया है इन लोगों ने कि दिसंबर के लिए रिलेवेंट है, और उसके अलावा बोले इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में चेंजेस किए हुए हैं। यहां पे देखिए आप इंडेक्स की बात अगर मैं करूं, ये रहा बोले यहां, बोले पहले कितने चैप्टर होते थे, 10 चैप्टर होते थे। न्यू न्यू उसमें क्या कर दिया, बोले अभी एक मिनट रुकिएगा बताता हूं मैं आपको। हाँ नॉट दिस वन, एक मिनट, हाँ जी ये देखिए कंपैरिजन करने का तरीका देखिए इनका। कंपैरिजन क्या किया, बोले पहले 10 थे, अब यहां पे कितने कर दिए, 11 कर दिए, 11 कर दिए। और यहां से क्या किया, बोले यहां तीसरा एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इसको हटा दिया, इसको बोले हटा ही दिया है पूरा का पूरा। और जो चैप्टर नंबर 4 होता था उसको बोले चैप्टर नंबर क्या बना दिया, 3 बना दिया। फिर उसके बाद में बोले एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है, इसके अंदर बोले एक नया चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है, ये आपका ओल्ड वाला, और बोले न्यू वाले में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है, ये वाला अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यू। अरे मेरे भाई मेरे साहब ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए चीज को। अगर आप एनालिसिस करने की बात करते हैं तो पहले प्रॉपर एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस कर लीजिए। मॉड्यूल के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो पहले से कवर्ड हैं, पहले से दिए हुए हैं, देर आर नो सच चेंजेस। तो सर बोले यहां पे इस चीज का क्या मतलब आया कि आपने दिसंबर 19 के लिए रिलेवेंट बताया, ऐसा क्यों किया बोले आपने, बराबर है। तो ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है जो कि 2016 का है, बराबर है। इसके पहले आपको पता चला होगा कि आपका ICDR होता था जो 2009 का हुआ करता था, उसको चेंज करके ICDR 2018 का कर दिया गया है, बराबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पता होगा एक बायबैक रेगुलेशन हुआ करता था जो कि सॉरी 1998 का हुआ करता था, बराबर है। उसको अभी वापस बायबैक रेगुलेशन 2018 के हिसाब से पूरा एमेंड कर दिया गया है। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो पुराने पुराने रेगुलेशंस हुआ करते थे उनको हटा के नए रेगुलेशंस आ गए, बराबर है। तो नया रेफरेंस देना जरूरी होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात बेटा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो चेंजेस यहां पे करे गए हैं वो ऐसे हैं कि जहां पे कोई टॉपिक बड़ा हुआ करता था, इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसको एक चैप्टर बना दिया गया है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये 7th वाले पॉइंट की बात करूं, ये जो नया एडिशन चैप्टर बताया जा रहा है, ठीक है, यही सेम टॉपिक, कौन सा टॉपिक है देख लो, अकाउंटिंग, फिर ऑडिटेड रिलेटेड इश्यूज, RPT दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड देन द विजिल मैकेनिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक पहले कहां कवर हुआ करते थे, ये वाले चैप्टर के अंदर, बराबर है। तो ये चैप्टर जो था आपका सेकंड वाला, ये काफी बड़ा चैप्टर बन गया था, ये चैप्टर क्या हो गया था, काफी बड़ा चैप्टर बन गया था, तो उस चैप्टर को थोड़ा छोटा कर दिया। और ये टॉपिक जो कि ऑब्वियसली बात है RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, विजिल मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आप अच्छे से पूरा ध्यान दो, इस बात को कंफर्म करने के हिसाब से उन्होंने इसको एक पूरा चैप्टर बना दिया, ये समझ में आया, पहली बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनो सर, यहां एक तीसरा चैप्टर हुआ करता था, ये वाला कौन सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक्स इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बराबर है सर। इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को मर्ज कर दिया ये सेकंड वाले चैप्टर के अंदर। आप सिंपली मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको ओल्ड वाला मॉड्यूल नहीं मिल रहा होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपके मेल आईडी पे ओल्ड वाला जो मॉड्यूल है वो मेल कर दूंगा। या फिर आपके पास ओल्ड वाला जो मॉड्यूल है जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो इंस्टीट्यूट से आया होगा, बराबर है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि आपने लैपटॉप पे डाउनलोड कीजिए नए वाले मॉड्यूल को, कंट्रोल एफ वहां पे दबाइए, और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि पुराने वाले मॉड्यूल में था लेकिन नए वाले में नहीं डाला हुआ है, कंट्रोल एफ करके आप टाइप करके देखिए, वहां पर आपको पूरा का पूरा वहां पे दिखाई देगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ध्यान से बेटा, इंस्टीट्यूट आपके साथ यानी कि स्टूडेंट के साथ ऐसी जाति कभी भी नहीं करेगा,
कभी भी नहीं करेगा कि जस्ट 4 महीने पहले आपको ये कह दे पुराने वाले मॉड्यूल को छोड़ो, ये नया वाला रेफर करो, इसमें 30-40% या 60-70% चेंजेस है, बोले। ऐसा आईसीएसआई आपके साथ कभी नहीं करेगा, बराबर है। उल्टा आईसीएसआई ने यहां पे बहुत अच्छा स्टेप लिया है, सॉरी, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, वो ये है कि जैसे बाकी जो इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई है, आईसीएआई कॉस्ट अकाउंटेंट वाला है, उनका आपने देखा होगा कि रेगुलर जो मॉड्यूल वगैरह है वो अपडेट होते रहते हैं, ताकि जो अमेंडमेंट्स वगैरह रिसेंटली आए हैं, जो मैंने आपको बताया अभी यहां पे, ये देखिए ये वाले जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था 18 वाला 19 वाला, वो भी आपने ध्यान दिया होगा, बराबर है। तो वो सारे जो है वो यहां पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सब्जेक्ट का मतलब पहले भी वही हुआ करता था, अभी भी वही है। पहले भी आप 50 मार्क्स के लिए गवर्नेंस की बात कर रहे थे, आज भी आप गवर्नेंस की ही बात कर रहे हैं, बराबर है। फिर उसके बाद पहले भी आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे 20 मार्क्स के लिए, आज भी आप उसी की बात कर रहे हैं। पहले भी आप कंप्लायंस की बात कर रहे थे, आज भी आप उसी के लिए बात कर रहे हैं। और पहले भी आप एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, आज भी आप उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और ध्यान दो, यहां बताया गया कि सर चैप्टर यहां पे 18, ठीक है, पुराने वाले में भी चैप्टर कितने बेटा टोटल मिला के 18, राइट। बोले चैप्टर्स बढ़ा दिए गए, सामने वाले ने, एनालिसिस करने वाले ने सिर्फ स्टार्टिंग के दो देखे यहां पे, कि एक तो कहां गया, ये वाला नया एडिशन किया गया है और ये यहां जो था उसको हटा दिया गया, सिर्फ इतना देख के चीजें बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज देखी, क्या सब, बोले यहां एक 17th वाला चैप्टर था जिसका नाम क्या था, मेजरिंग द बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्या नाम था, मेजरिंग द बिजनेस, बोले ये हटा दिया, इसको हटा दिया, बोले सर ये हटाया नहीं गया है, ये हटाया नहीं गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑल्टमैन जेड स्कोर, बराबर है। आप सर्च कर लीजिएगा नए वाले मॉड्यूल के अंदर, आपको ये टॉपिक मिलेगा। यानी कि ये 17th वाला चैप्टर जो कि ओल्ड मॉड्यूल वाला है, ध्यान दीजिएगा बेटा, सिलेबस में न्यू वाले की ही बात कर रहा हूं, मॉड्यूल में ओल्ड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसका ये वाला टॉपिक जो है वो यहां पे भी दिया हुआ है। कोई टॉपिक यहां से हटाया नहीं गया है, कोई एडिशनल टॉपिक यहां पे ऐड नहीं किया गया है, बराबर है। सर क्या किया, जो टॉपिक एक चैप्टर का पार्ट हुआ करता था लेकिन इंपॉर्टेंट था, जिसको एक अपना आइडेंटिटी मिलना जरूरी था, उसको एक चैप्टर बना दिया गया, ताकि आप यानी कि स्टूडेंट उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और जो टॉपिक, जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक नाम आपने उस चैप्टर को दे दिया, बराबर है, जिसको चैप्टर का नाम नहीं देना चाहिए था, किसी और चैप्टर में टॉपिक के तौर पर कवर हो सकता था, उसको उस चैप्टर के अंदर डाल दिया गया, रिडंडेंसी ना रही उस वजह से, बराबर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको यहां बताया सिंपल तरीके से कि यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह थे, कुछ चेंजेस वगैरह थे जो कि मॉड्यूल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, ताकि आपको बार बार बहुत सारी चीजों में झांकना ना पड़े। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ध्यान से स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन, प्लीज किसी के बहकावे में ना आइए, ऐसे इंसान के बहकावे में तो बिल्कुल ना आइए जो अभी रिसेंटली मतलब मुंह उठा के आगे बोले रिकॉर्डिंग करनी है। पुराने फैकल्टीज हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही आपका भगवान हूं, नहीं, मैं एक मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है, जो भी है, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं, बराबर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे फैकल्टीज जो तन मन धन से सिर्फ इसी चीज के अंदर हैं और जो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनसे जाके सलाह मशवरा कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी की बात सुनो मत, सबकी सुनो, हो सकता है कि आपकी जो पुरानी फैकल्टी है वो झूठ बोल रही हो, वो गलत बोल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक तो करो। आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स कि उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बताया कि सर बोले ऐसा ऐसा मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि पुराने सॉरी न्यू सिलेबस के अंदर जो पुराना मॉड्यूल था वो रिडंडेंट हो चुका है, बोले 60-70% चेंजेस हो चुके, बराबर। तो ऐसा बोले बताया, बाकायदा फैकल्टी का नाम लेके वैसा बताया, राइट।
तो ऐसे केस में मैं आप लोगों से अपील करता हूं, क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप खुद भी कर सकते हैं, दोनों मॉड्यूल को उठाइए, मॉड्यूल को उठा के आप सिंपली कंपैरिजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट बात मैं यहां पे आपके साथ में कर रहा हूं, ठीक है? वो समझ में आपको आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जो फैकल्टीज हैं, जो वेल नोन फैकल्टीज हैं, पुरानी फैकल्टीज हैं, राइट, जो कि काफी टाइम से टीचिंग में ही है, जिनके लिए टीचिंग सिर्फ एक साइड बिजनेस नहीं है बल्कि पैशन है, उन लोगों से आप डिस्कशन कीजिए कि सर ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, जरा बता दीजिए। बराबर? तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो फैकल्टीज हैं वो आपको बताएंगे उस चीज के बारे में कि क्या है क्या नहीं है करके। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो ये मैंने जीआरएमसी की बात करी, सेम ऐसा ही आपका जो ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल है उसमें भी किया हुआ है। ड्राफ्टिंग के मॉड्यूल की बात कीजिए, उसमें भी किया हुआ है। CRIWL जो उसका सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें भी किया हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको। लेकिन पूरा थॉरो एनालिसिस मैंने खुद ने किया है। आप बाकी अपनी पुरानी फैकल्टीज जो होंगे उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पे ऐसा कोई चेंज आने वाला नहीं होगा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, जिसमें आपको ICSI के मॉड्यूल को इग्नोर करने बोल दिया जाए। समझ में आई बात? यहां पे भी भले ही ये चीज दी गई है। और हाँ, एक और चीज इसमें सुनिए आप ध्यान से, साथ में क्या किया गया यहां पे मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे ये बताया डिटेल्ड कंटेंट, ठीक है? इसमें पहले वाला जो चैप्टर का नाम ही दे दिया, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। सेकंड जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड रिलेवेंट सब्सटेंटिव रूल, और तीसरा सेक्युरल प्रैक्टिस। ये तीनों अगर आप देखोगे तो चैप्टर के नाम में मिलेंगे आपको, ठीक है? बट इसके बाद ये देखो, एग्रीमेंट्स, डीड्स, ये दो ही यहां पर रखे, 4 और 5। तो सामने वाले इंसान ने कहा, अरे बोले बाकी जो थे ना, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस रिलेटिंग टू द वेरियस डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, 1 2 3 4, हटा दिया बोले, उसको हटा दिया बोले पूरा का पूरा। नहीं सर, ये इंडेक्स नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बताए कि कौन से टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा सर, ये रहा इंडेक्स सर, ये रहा इंडेक्स, और इस इंडेक्स में सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, आपको दिख रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ होगा बेटा, शफल हुआ होगा, रीशफल किया गया होगा। कुछ टॉपिक जो शायद यहां पे कवर्ड थे, नहीं होने चाहिए थे, उनको यहां से उठा के यहां डाला गया होगा। कुछ टॉपिक्स जो कि यहां थे बट यहां नहीं होने चाहिए थे, यहां होने चाहिए थे, तो उनको उठा के यहां डाला गया होगा। बराबर है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं, ना ही तो ड्राफ्टिंग के अंदर, ना ही GRMCE के अंदर, और ना ही CRIWL के सेकेंड पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, और ना ही SCCMDD में लिखा हुआ है, ठीक है? CRIWL के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। इन सब के अंदर कहीं कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है, और कोई पुराना टॉपिक हटाया नहीं गया है। सिर्फ आपको यह देखने को मिलेगा कि पहले चैप्टर में से उठा के शायद दूसरे में डाल दिया, या फिर आखिरी में डाल दिया 10th वाले में, बट टॉपिक वहीं पे ही है, नो डाउट इन दैट। अंडरस्टूड? दैट्स इट। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अगर कोई डाउट इस चीज में होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको जरूर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।